यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब खबर हल्द्वानी से, जहां नरभक्षी गुलदार का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। नरभक्षी गुलदार अभी तक नहीं मिल पाया है, उसका कोई सुराग नहीं लगा है। एक हफ्ते से नरभक्षी गुलदार, इसको ढूंढा जा रहा है, इसको खोजने का काम जारी है। गुलदार के ना दिखने से शूटर्स की टीम वापस भी लौटी। इससे पहले फतेहपुर इलाके में गुलदार का खौफ जारी है। फतेहपुर इलाके में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, ग्रामीण डरे हुए हैं और ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि गुलदार को या तो पकड़ा जाए या तो गुलदार को मार दिया जाए। इसी मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर हम जिंदा रहे तो हम जानवरों को आगे भी पाल लेंगे, लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर कैसे। तो गुलदार लगातार जो ग्रामीण है उनको शिकार बना रहा है, हमला कर रहा है, और गुलदारों के हमले की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। और इसके बाद जो नरभक्षी गुलदार है, जो इंसानों पर हमला कर रहा है, उस नरभक्षी गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह टीम ने दबिश तो दी, उसको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला, लेकिन ये गुलदार अभी तक शूटर्स को और टीम को नहीं मिला है। ग्रामीणों की मांग है या तो इस गुलदार को मार दिया जाए या तो उसको पकड़ लिया जाए, पिंजरे में कैद कर लिया जाए। ग्रामीण डरे हुए हैं और ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि गुलदार को या तो पकड़ा जाए या तो गुलदार को मार दिया जाए। इसी मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर हम जिंदा रहे तो हम जानवरों को आगे भी पाल लेंगे, लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर कैसे। तो गुलदार लगातार जो ग्रामीण है उनको शिकार बना रहा है, हमला कर रहा है, और गुलदारों के हमले की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। और इसके बाद जो नरभक्षी गुलदार है, जो इंसानों पर हमला कर रहा है, उस नरभक्षी गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह टीम ने दबिश तो दी, उसको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला, लेकिन ये गुलदार अभी तक शूटर्स को और टीम को नहीं मिला है। ग्रामीणों की मांग है या तो इस गुलदार को मार दिया जाए या तो उसको पकड़ लिया जाए, पिंजरे में कैद कर लिया जाए।